फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। बहन बस सबकी सुनते रहते, जो रुके नहीं सुनते नु, बस बहन बोरन तो बहन की बोर ना सुनो, अम्मा बोर ना सुनो, बच्ची को दूध का डब्बा लाओ बोले तो अम्मी को बोलो, अब्बू को बोलो, बोलते नु हर टाइम। इन्हों भी बहुत मार रहे मेरे को, बस अंदर कमरे में रहे तो इतना मार रहे, इतना मार रहे, बाहर निकलो तो मैं और मारता हूँ तुम्हारे को, फिर शाम में आए बाद में मई भर रहा हूँ। तो बस नीचे मुंडी रख के पूरे घुई घुई करके पूरे काम पूरे कर रहा हूँ, मार के इतने निशाना गर्दनों पे, इस पे मारे गुपुत मारा, बहुत बुरे मारे मेरे को। ये मेरी ननन है, ये मेरी ननन बहुत टॉर्चर कर रही है, मेरी ननन बस मेरे हस्बैंड को बोल रहे टॉर्चर करो बोल रही, बहुत टॉर्चर करने लगा रहे मेरे को। घर में बैठे इस जगह पे अंडा छिलके दियो, पानी का बॉटल दियो, दरवाजे को खटका मारे तो फोन करके मेरे को रूम में से बोल रहे डोर खोलो जाओ वहां पर लोग आए बोल रहे। देवर है ये छोटा देवर भी मेरे को कमर में लात मारा, तेरी तरफ से हुआ ये सब, निकल तू यहाँ घर से बोल रहे। ननन की शादी हो गई, 5 साल हो रहा है उनकी शादी होके, मेरी शादी होके 2 साल होला, 2 साल से नु यही छे, मैनू गए नहीं जो फरीन इल्जाम लगाए थे ना वो गलत है, वो गलत है इल्जाम। मैं वैसा कर तो नहीं क्या अभी ना, मैं खुद ही लेके गया गुंचे नो, खुद ही ऑटो में बैठ के गए। उन्हें इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग मार के घर से निकाले, ये गलत है, ये गलत इल्जाम लगा रहे, ये बहुत बुरा गलत इल्जाम लगा रहे। उनके मम्मी बोले आ जाओ बेटा, बोले मम्मी बेटी को छोड़ अर्शिन को छोड़ के आ जाओ मेरे पास, अपन जो करना है वो करेंगे बोल के वो निकल के चल गए। हमारे क्या इल्जाम डाल के फंसाएंगे बोल के बोले इनके मम्मी, सब जने बोले इनके इल्जाम डाल के फंसाएंगे, भाई भैया दोनों भैया इल्जाम डाल के फंसाएंगे बोल के बोले, दोनों भैया इल्जाम डाल के फंसाएंगे बोल के बोले। और मेरे को बहुत टॉर्चर करते हैं। कौन भाई आपके साले? जी हाँ, हम मेरे साले बहुत वो फोनों पे गालियां देते वो करते, मेरे को बहुत टॉर्चर करते, मैं खुद ही सुसाइड कर लेने वाला था, मैं इतना इल्जाम वो कर रहे, अंदर कमरे में घुसे तो बाहर बाहर निकल के आ जाओ, बाहर बैठ जाओ तुम, नहीं आना कमरे में। शादी के बाद थोड़े दिन अच्छे रहे, फिर उसके बाद लड़ाया शुरू हो गए। क्या बोल के लड़ाया? वो बहन के मुझे हमारे भौने को फोन आ करके तो ऐसा बोलते, बाहर गए बोल के लड़ाया हो रहे थे घर में, झूठे बात बोल के लड़ाया हो रहे थे, मेरे को जुल्म हो रहा, मैं सुसाइड कर लेना था मालूम कल, इतना जुल्म कर रहे मैं गाड़ी भी नहीं चला सक रहा, मैं रैपिडो चला रहा, मैं गाड़ी भी नहीं चला सक रहा, इतनी दूर है तो भी आके खाना दियो बोल के बोल, घर में पके हुआ है तो नहीं खा दूँ बोरे खाना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन है और मेरे भाभी का नाम है फरी। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए कि मतलब अभी जो न्यूज़ में चल रहे कि ये वो बात आ कि मैं उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती वो करती, ये सब गलत है क्योंकि मेरे पास हर चीज़ की प्रूफ है, हर चीज़ की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब है। और देखा गया तो उन्होंने मेरे मम्मी लोगों को बहुत ज़्यादा सताते हैं, उन्होंने मम्मी लोगों को मेरे सताते, मेरे मम्मी रोज़ डेली सुबह उठ के काम करते, उन्होंने तो 2-3 बजे काम 2-3 बजे उठ के हर चीज़ नहीं करते, भाई लेके जाके खाना देते लो फरीन खाना खा लो, मैं वॉमिटिंग भी करे तो उन्होंने पानी नहीं डालते, हमारी मम्मी जाके डालते उनको कभी वॉमिटिंग्स हुए तो, ये तक उन्होंने साफ नहीं करते, मम्मी के ऊपर उन्होंने 1-2 बार हाथ भी उठाया, वो तक मेरे पास प्रूफ्स है। और उन्होंने मेरी लाइफ खराब कर दिया, पूरी पूरी कम्प्लीटली मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे पास हर चीज की वीडियो। आपकी लाइफ कैसा खराब करी? मेरी लाइफ उन्होंने मेरे हस्बैंड से रात के 4-4, 5-5 बजे तक बात करते थे, मेरे हस्बैंड से और मेरे हस्बैंड के दोस्तों से, मेरे को भी हस्बैंड बहुत सताए क्योंकि उन्होंने ऐसा हमारा मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप कैसा था, फ्रेंड्स जैसा था, ऐसा था, उन्होंने पूरा रिश्ता हमारा खराब कर दिए पूरा, उन्होंने पूरा मतलब गलत इल्ज़ाम लगाना मेरे ऊपर, रात भर मेरे हस्बैंड से बात करना ऐसा आप सताओ दीदी को, सताओ आप समरीन को, सताओ ऐसा करो भाई बोल के रात भर बात करना ऐसा करते थे। मैं कभी उनको कभी गलत नहीं बोली, मैं जॉब को जाती हूँ, जॉब से आती हूँ, घर पर रहती हूँ और इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, उन्होंने जो भी बोल रहे सब गलत है, उन्होंने इतने बदतमीज है, हमारे भाई को इतना सता रहे, भाई को सताते, मम्मी को सताते, हमारे अब्बू को सताते, कल मेरा भाई बोला कि उन्होंने इतना सता रहे मम्मी मेरे को, मैं सुसाइड कर लेता हूँ अगर मेरी भाई की जान गई तो, हम लोग किस पे बोलना बोलिए आप लोग,
क्योंकि उन्हें जो डाल रहे मीडिया पे अभी जो चल रहा वन साइडेड देख रहे, टू साइडेड भी देखिए, क्योंकि हम लोगों के पास हर चीज का प्रूफ है, उन्हों इतना सा प्रूफ है वीडियोस के साथ हमारे पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है बल्कि ना एवरीथिंग हम लोगों के पास है। आप लोगों पे था उन्हों जब कर रहे थे तो कोई पुलिस कंप्लेंट हुई आपकी तरफ से? जी आपके तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट हुई? जी नहीं, हमारे तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई अभी, क्योंकि हमको आइडिया नहीं था मतलब पुलिस कंप्लेंट का, तो हमारे तरफ से कोई भी ऐसा पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है।